घर बंद है घर सासा घर पर नहर है न जा सटे थे मैं क्रू सासा चेहू खासा ने कहा। 50,000 लोगों की जिनको कब्र बोस किया उनका हिसाब कौन देगा, वो महबूबा जी देंगे या हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब देंगे, उमर साहब देंगे या यहाँ की जो कांग्रेस है वो देगी। एक कश्मीरी शायर से शुरुआत की थी, घर बंद है घर सासा घर नबर नहर है न जा सटे थे मैं क्रू सासा चेहू खासा ने कहा। अवतार सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एक पॉलिटिकल लीडर, एक नेता का रूप अगर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी। मेरा भारतीय जनता पार्टी से जाना और वापस आना, ये आप भली भांति जानते हैं कि पार्टी में, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती है जिसमें लोग ऊपर नीचे दाएं बाएं करते रहते हैं। तो मुझे कुछ अपने जो मेरे कुलीग्स हैं उनके साथ कुछ नाराज़गियां बीच में थी, जिस वजह से मैं उस क्रिटिसिज्म को ना सह सका तो मैं थोड़ा दूर हो गया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, एंड वाई दिस होम इज़ बेस्ट वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की नहीं बल्कि अब बरे सगीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उनका मिशन जो है डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा लेके वो चले हैं, और उस पे जो भारतीय जनता पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन एंड रेस को एक साइड में रख के वो अपनी डेवलपमेंट के काम को लेके जा रही है। और जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने जम्मू कश्मीर, एक नए जम्मू कश्मीर का जो नारा देके उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के हर एक व्यक्ति विशेष के लिए जो एक अच्छी सोच रखता है, जो एक अच्छा देशभक्त है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के बगैर और कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो अपने अक्ल का मुलाहजा करते हुए मुझे भी यही लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी, अगर आपने लोगों की रियल सेंस में सेवा करनी है, भारतीय जनता पार्टी ही आपके लिए एक ऐसा विशेष प्लेटफार्म है जो आपके लोगों को हर एक सुविधा, हर एक सहूलियत, हर एक डेवलपमेंट और हर एक एजुकेशन का वो साथ और हर एक एम्प्लॉयमेंट का वो चीज़ें सारी भारतीय जनता पार्टी ही प्रोवाइड कर सकती है। भाई साहब ईडी और एनआईए का डर उन लोगों को होता है जो करप्शन में मुलविस हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले और घपले किए हुए। मैं एक साधारण सिंपल सा व्यक्ति हूँ, झोला लेके जहाँ मर्जी है मोदी जी की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन दिल और जान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए ही धड़कती थी। तो इसलिए हमने अपने घर में आके वापसी करी है। घर में मतभेद होते हैं घर के बड़ों के साथ, घर के कुलीग्स के साथ, घर के मेंबर्स के साथ। तो आज उन मतभेदों को, क्योंकि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, टाइम हुआ और मेरे कुलीग्स को जो मेरे साथ कन्फ्रंटेशन में थे उनको भी लगा और अवतार सिंह को भी लगा कि नहीं, हम सबको मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर की इस डेवलपमेंट के जो मिशन है उसको आगे लेके जाना चाहिए। आज बोलना है, मगर सच बोलना, दिल पे हाथ रखें। जी बताइए सच। जी अपनी पार्टी में क्या चल रहा था? वो तो आपको बताया हुआ है। देखो मैं अब उस पार्टी का सदस्य नहीं रहा, लेकिन आपको याद अगर होगा मैं उस पार्टी से विदा होके, मुझे लगता है पहली हमने जो अपनी रिएक्शन आपको ही दी थी, सीधी सीधी बात है, मैं उस चीज़ को अब ज़्यादा रिपीट नहीं करना चाहता। अगर वहाँ सब ठीक ठाक होता, फिर हो सकता अवतार सिंह भी, अगर वो पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी के मिशन और जिस अंदाज से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, अगर उस अंदाज पे वो भी काम करते, अगर डेवलपमेंट के लिए काम करते, तो मुझे ठीक था, मैं बैठा था। मैं अब अपनी पार्टी की बात ना करूं, अच्छा रहेगा कि मैं अब उसी घर की बात करूं जिस घर का मैं सदस्य हूं। देखिए जी, वो गिरगट की तरह रंग बदलें, हमारी आदरणीय महबूबा मुफ्ती जी हमारी चीफ मिनिस्टर रही हैं स्टेट की, और उनको ये कभी भी भूलना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना के चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं। तो
तो आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बरामुला बताएंगे तो वो किसको समझ आने वाला है। 2 घंटे हो गए हैं उनके इस भाषण को दिए हुए और मुझे लगता 5 लाइकें भी उनके इस पे आई नहीं है मीडिया पे। अब सोशल मीडिया टटोल लेना, अब लोगों को इन खोखले नारों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये वही मोहतरम महबूबा मुफ्ती जी हैं जो लोगों को बोलते थे आपके दूध और टाफियां लेने गए होते थे, तो आज वो लोगों की हमदर्द बन के आई हैं। इसलिए कि अब इलेक्शन आने वाले हैं मेरे भाई, लोग परख चुके हैं। जम्मू कश्मीर का वोटर, खासकर हमारी कश्मीर का वोटर, बहुत ही सियाना और बहुत ही सेंसेबल, और वो अब यहाँ का बच्चा बच्चा इनकी उस गंदी सियासत को समझ चुके हैं। 50,000 लोगों की जिनको कब्र बोस किया उनका हिसाब कौन देगा? वो महबूबा जी देंगे या हमारे फारूक अब्दुल्ला साहब देंगे, उमर साहब देंगे, या यहाँ की जो कांग्रेस है वो देगी? उनको पहले अपने गरेबा में झांकना चाहिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, अटूट अंग है, अटूट अंग रहेगा। 370 और 35 ए की शील्ड को लेके जो बैठे थे उसको तो उन्होंने पहले ही खोखला कर चुके थे।